तो आइए आज की वीडियो में हम जानते हैं कि अपनी लाइफ को फाइनेंशियली कैसे बेटर किया जा सकता है। तो आज हम जानते हैं कि अमीर कैसे बनना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए क्योंकि घंटी बजे जिंगल 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 जिंगल। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि धीरे धीरे हम कैसे अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करके अपने लिए एक बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो सिर्फ धनतेरस पे सिक्का नहीं खरीदना है बल्कि अपने लिए साल भर एक ऐसा प्लान तैयार करना है कि साल के हर दिन आपकी वेल्थ कुछ न कुछ बढ़ती रहे। तो इसी संबंध में हम कुछ छोटी छोटी बातों को जानेंगे जिनकी जानकारी होने से आपके जीवन में बहुत बड़ा अंतर आ सकता है। सबसे पहले जरूरी है अपनी इच्छाओं और अपनी जरूरतों में फर्क करना, और ये जानना पड़ेगा कि इच्छाएं कभी खत्म नहीं हो सकती और वो अनगिनत होती है। जैसे मोबाइल हमारी एक जरूरत है, पर पैसे ना होने के बावजूद भी लोन पे एक महंगा मोबाइल खरीदना हमारी इच्छाओं में आता है। हमें जानना चाहिए कि दिखावे से हमें कोई भी आदमी अमीर नहीं मानेगा, और जिस दिन आप अपने लिए अच्छी वेल्थ क्रिएट कर लेंगे उस दिन आपको किसी को ये बताना नहीं पड़ेगा, किसी को ये दिखाना नहीं पड़ेगा कि आप अमीर हैं। दुनिया से वही मानती है जो वो देखती है। हमारी जिंदगी में फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। सबसे पहले जैसे हम काम पे जाते हैं वैसे हमें अपने पैसे को भी काम पे लगाना चाहिए, और पैसे को काम पे लगाने का मतलब है उसका निवेश करना, यानी इन्वेस्टमेंट करना। तो पैसा जब भी हम निवेश करते हैं तो उसके ऊपर हमें ब्याज मिलता है, यानी कि इंटरेस्ट मिलता है, और ये दो तरीके का होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के केस में आपके प्रिंसिपल पर, यानी कि जो आपने अमाउंट दिया है उस पे ही ब्याज मिलता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट पे ब्याज मिलता है। इसी वजह से दोनों तरीके से अर्जित किए हुए लाभ अलग अलग होते हैं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपके पास 10,000 रुपए हैं और 10% इंटरेस्ट के साथ आपको साल के अंत में 1,000 रुपए मिलेंगे और आपके पास हो जाएंगे 11,000 रुपए। दूसरे साल भी आपको 10,000 रुपए पे ही ब्याज मिलेगा। तीसरे, चौथे और पांचवें साल भी आपको सिर्फ 10,000 रुपए पे 10% के हिसाब से 1,000 रुपए ही मिलेंगे, यानी 5 साल के अंत में आपके पास 10,000 प्रिंसिपल के और 5,000 रुपए इंटरेस्ट का होगा, यानी कि कुल 15,000 रुपए होंगे। अब यही कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जब आप 10,000 रुपए 10% पे लगाएंगे तो पहले साल के अंत में आपको 11,000 रुपए मिलेंगे और फिर दूसरे साल आपको ब्याज मिलेगा 10% 11,000 रुपए के ऊपर। इसी तरीके से तीसरे, चौथे और पांचवें साल में आपको ब्याज मिलेगा और पांचवें साल के अंत में आपको 10,000 रुपए और उसके ऊपर 6,105 रुपए अब ब्याज भी मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट से 1,105 से ज्यादा। तो जहां तक संभव हो अपना पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट देने वाली स्कीम्स में ही लगाएं जो लेजिटिमेट भी हो। दूसरा लेसन है स्टार्ट अर्ली, यानी जिंदगी में जितनी जल्दी आप पैसे बचाना और उसको निवेश करना यानी कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी अच्छी वेल्थ बनेगी। इसीलिए अपने बच्चे को भी जल्दी से जल्दी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के बारे में बताइए जिससे वो अपने लिए एक बहुत अच्छा फंड इकट्ठा कर सके। तीसरा लेसन है स्टॉप बाइंग थिंग्स यू डोंट नीड, यानी कि किसी भी कमोडिटी या लोन को भी लेने से पहले 10 बार सोचे कि क्या आपको वास्तव में उसकी जरूरत है, और फिर ये पूछिए कि क्या इस वस्तु को खरीदना आपके फाइनेंशियली साउंड बनने से ज्यादा बड़ा है। एक लेसन और है कि पैसा किसी के पास भी ज्यादा नहीं होता और जो हमारे पास है हमें उसी में से बचाना पड़ता है। अपनी आमदनी का कम से कम 10-15% बचाने की आदत डालनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारे पास जब एक साथ पैसा आएगा तब हम सेविंग करेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ना ऐसा होता है और ना हम सेविंग या इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं और जिंदगी अपनी नेसेसिटीज को कट करके परेशानी में बिता देते हैं। अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो सवाल ये आ रहा होगा कि क्या हमें बचत करके सारे पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ऐसा माना जाता है कि 3 से 6 महीने की अपनी आमदनी या अपने खर्चों के बराबर पैसे को अपने घर में जरूर रखें इमरजेंसी के टाइम काम आने के लिए, और उसके बाद हमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। अगला लेसन है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई के बारे में, और इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की खरीदने की क्षमता यानी कि परचेजिंग पावर समय के साथ खत्म होती जाती है। इसीलिए ये नंबर आपके लिए बहुत जरूरी है और ये आपको किसी भी अखबार या वेबसाइट पे मिल जाएगा, इसके बारे में हमेशा जानकारी रखें। भारत में महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन को नापने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो हम और आप जैसे इंडिविजुअल की महंगाई को नापता है, और बिजनेसेस के लिए महंगाई नापने वाला होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। अगर मान लीजिए कोई वस्तु आज 100 रुपए की है और इन्फ्लेशन 8% है तो अगले साल आपको उसी वस्तु को खरीदने के लिए 108 रुपए चाहिए होंगे। तो अगर आपकी आय उतनी बढ़ी नहीं है या आपने ऐसा इंतजाम नहीं किया है तो आपको परेशानी होगी, क्योंकि वो 8 रुपए आप कहाँ से लाएंगे। इसके लिए या तो आपको अपने खर्चे काटने पड़ेंगे या उस चीज को छोड़ना पड़ेगा। तो उसका इंतजाम करने के लिए हम कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट रेट 8% के बराबर या उससे ज्यादा हो, और इससे कम इंटरेस्ट रेट सिर्फ बेकार है, वो आपकी पैसे की वैल्यू को कम कर देगा। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये उन लोगों के साथ होता है जो खर्च ज्यादा करते हैं क्योंकि उनके पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा होता है। वहां पे भी बेहतर यही होगा कि ज्यादा खर्च करने की बजाय ज्यादा इन्वेस्ट करें। अगर आपके घर में पैसा पड़ा हुआ है और आपने कहीं निवेश नहीं किया है, और मान लीजिए इस साल आपके पास 100 रुपए हैं, तो 8% की महंगाई के हिसाब से अगले साल उनकी परचेसिंग पावर यानी खरीदने की क्षमता सिर्फ 92 रुपए की रह जाएगी।
हालांकि पैसे आपके पास 100 ही रुपए होंगे। और ये है टाइम वैल्यू फॉर मनी। अ डॉलर टुडे इज वर्थ मोर देन अ डॉलर टुमारो। क्योंकि आज मिलने वाले रुपए को हम आज ही इन्वेस्ट कर सकते हैं और कल उसी डॉलर की वैल्यू में रिटर्न भी शामिल होंगे। तो डिलेड इन्वेस्टमेंट इज लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। तो आज के 10,000 रुपए एक साल बाद 10% इंटरेस्ट रेट पे 11,000 रुपए हो जाएंगे। वहीं अगर मुझे जानना है कि अगर अगले साल मुझे 5,000 रुपए चाहिए 7% इंटरेस्ट रेट के साथ, तो आज मुझे कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे जिससे वो अगले साल मुझे 5,000 रुपए बन के मिले। तो इस तरीके से 4,673 रुपए 7% ब्याज पे आज लगाने पे हम अगले साल 5,000 रुपए मिलेंगे। एक बात और है, जितने छोटे समय के लिए हम कंपाउंडिंग करेंगे उतनी हमारी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। हम कैसे जाने कि हमारा पैसा डबल यानी कि दुगना कब होगा? तो कितना समय लगेगा हमारे पैसे को दुगना होने में? अगर हम 72 से उस ब्याज दर यानी कि इंटरेस्ट रेट को डिवाइड कर देंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 72 को उस टाइम पीरियड से डिवाइड कर दें जितने समय में हमें अपने पैसा दुगना करना है, तो हमें ये भी मालूम पड़ जाएगा कि हमें कितना ब्याज चाहिए उस समय में अपने पैसे को दुगने करने के लिए। जैसे अगर 6% ब्याज है, तो अगर हम 72 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 12 साल लगेंगे आपके पैसे को दुगना होने में। इसी तरीके से अगर आपको 6 साल में आपके पैसे दुगने करने हैं तो आपको 12% का इंटरेस्ट रेट चाहिए होगा। और इसे कहते हैं रूल ऑफ 72। आपकी जरूरतों के हिसाब से निवेश करना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि वो निवेश या सेविंग्स क्यों कर रहे हैं। इस तरीके से निवेश करने में फायदा ये होता है कि हमें मालूम होता है कि हमें कितना पैसा चाहिए, तब हम अपने पैसे को और अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं और हमारा कोई भी काम पैसे की कमी की वजह से रुक नहीं सकता है। अपने सभी गोल्स यानी उद्देश्यों को जिसकी वजह से आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं को टाइम के हिसाब से बांटें। जैसे शॉर्ट टर्म मान लीजिए बच्चों की एजुकेशन, मीडियम टर्म जैसे बच्चों की शादी, और लॉन्ग टर्म यानी कि आपका रिटायरमेंट। किसी भी जगह निवेश करने से पहले 3 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिटर्न। सेफ्टी का मतलब यह है कि निवेश करने से पहले जान ले कि आपका पैसा सुरक्षित है और तय हुई डेट पे या उससे पहले डिमांड करने पर आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। जैसे हमने बैंक में एक FD बनवाई, तो जब FD का समय पूरा हो जाएगा तो बैंक हमें ब्याज के साथ हमारा पैसा वापस कर देगी। अगर समय से पहले हम FD को मैच्योर कराते हैं तो बैंक हमारे को कुछ पेनल्टी काट के हमारा पैसा वापस कर देगी। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कितनी जल्दी आप उस इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत बार हमारे पास ऐसी जरूरतें इमरजेंसी आ जाती है जिसके लिए हमें पैसा तुरंत चाहिए होता है। और तीसरा है रिटर्न, यानी कि हमें क्या वापस मिलेगा। ये उस पे मिलने वाला इंटरेस्ट यानी कि उसकी इनकम या एप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड के रूप में हो सकता है या दोनों ही। यहाँ ये भी जाना चाहिए कि हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न और लो रिस्क के साथ लो रिटर्न एसोसिएटेड है। अगला लेसन है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी आपका निवेश एक ही जगह ना करें बल्कि अलग अलग करें, उसको डाइवर्सिफाई करें, जिससे अगर एक जगह नुकसान हो रहा हो तो दूसरी जगह आपका फायदा उसको कॉम्पनसेट कर सके। इसके साथ साथ रेगुलर इंटरवल पर निवेश करना भी बहुत जरूरी है। कोई भी लोन लेने से पहले ये ध्यान रखें कि अगर ये लोन का पैसा आपकी कैपेसिटी नहीं बढ़ा रहा है और ये आपकी आय यानी कि इनकम में कोई भी इजाफा नहीं करने वाला है, तो ऐसा लोन लेने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। और अगर आपने लोन लिया है तो ईमानदारी के साथ उसे जल्द से जल्द रिपे भी करना चाहिए। पैसे के साथ एक बहुत बड़ा टर्म जुड़ा है लालच यानी कि ग्रीड। जल्दी से जल्द अमीर होने के चक्कर में हम लोग बहुत बार अपना पैसा कहीं भी लगा देते हैं और वो हमारे पैसे को लेके भाग जाता है। तो पैसे को लगाने से पहले हमें जानना चाहिए कि हमें अपनी ग्रीड को भी कंट्रोल में रखना चाहिए और किसी भी स्कीम में पैसा लगाने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करना चाहिए। इसीलिए पोंजी स्कीम्स में इन्वेस्ट करने से हमें बचना चाहिए। अपने सभी इन्वेस्टमेंट में नामांकन यानी कि नॉमिनेशन जरूर कराना चाहिए, जिससे इन्वेस्टर को कुछ भी होने के केस में इन्वेस्टमेंट का पैसा परिवार के उस मेंबर को मिल जाए जिसको नॉमिनी बनाया गया है। अंत का लेसन है कि अपने लोगों और अपनी फैमिली में इन्वेस्ट करिए। हमारी जिंदगी बहुत सिंपल है, उसे सिंपली रहने दें, उसे कॉम्प्लिकेट ना करें। खुश रहना भी एक कला है और खुश रहना सीखें। नई चीजें सीखें, नए स्किल्स को एक्वायर करें और रीडिंग की हैबिट डालें। ये सब आपको खुशी तो देंगे ही, साथ में आपकी आय को भी बढ़ाएंगे। आप सभी को हैप्पी दिवाली। अंत में हम फिर वही करेंगे जो हर बार करते हैं, अपनी मार्केटिंग करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कुल ही टाइम बर्बाद किया। आज में हम फिर वही करेंगे जो हर बार करते हैं, अपनी मार्केटिंग करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपके पास सारे नोटिफिकेशन भी आए। कमेंट करके हमको ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।